वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे जी आइसक्रीम पार्टी चल रही है मामा की तरफ और व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है दोबारा से ही। तो चलो जी आइसक्रीम खा के फिर मिलती हूँ आप लोगों से। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज है 30th रोज़ा, उसकी सहरी अभी बनेगी तो जब सहरी बनाऊंगी तो मिलती हूँ। चलो जी मिलती हूँ आपसे आराम से जी। चलो चलते हैं घर क्योंकि आ गए हैं हस्बैंड नीचे। देखिए जी लेट्स गो नाउ। जस्ट अभी मैं घर आई हूँ एंड अब जो है मैंने सहरी की प्रिपरेशन कर ली है। वो तो मैं कर ही गई थी, डो वगैरह लगा कर गई थी। और जी फाइनली लास्ट सहरी होगी अल्लाह, नेक्स्ट रमज़ान भी हमें नसीब करना हम सबको इंशाल्लाह हम सुमानी। और अल्लाह पाक बस हम सब की जायज़ दुआओं को तमन्नाओं को अल्लाह पूरा करना इंशाल्लाह। जिसने जो मुराद आपसे की है इस रमज़ान सब उन सब के साथ साथ हमारी भी सारी दुआओं को अल्लाह पाक कबूल करना इंशाल्लाह। सो आज है 30th रोज़े की सहरी। सो या बनाएंगे सहरी अभी एंड कल 30th रोज़े की इफ्तारी होगी एंड कल होंगी खूब सारी ढेर सारी प्रिपरेशंस फॉर ईद। माशाल्लाह मैं पूरी फुल प्रिपरेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना कि मैं क्या बनाती हूँ ईद पर और क्या क्या मेरा मेन्यू रहता है ईद के लिए। सो आई डेफिनेटली शेयर विद यू ऑल। एंड सरप्राइज़ बहुत अच्छा रहा हस्बैंड का, लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा उन्होंने मुझे बिना बताए मामा की तरफ। सिस्टर्स वगैरह एक्चुअली आज ही आई हैं ना, दोनों बाहर रहती हैं तो आज ही आई हैं दोनों। तो अब कंप्लीट फैमिली थी तो आज हस्बैंड ने मेरे मायके काफ़ी भारी इफ्तारी भेजी माशाल्लाह से। एंड सब दे ऑल आर यू नो लव दैट, मतलब बहुत पसंद आई सबको इफ्तारी, सबकी फेवरेट थी। और गाइस तो मैं खुद शौक हो गई, मैं खुद सरप्राइज़ हो गई। वो मुझे इफ्तार के बाद बोलते हैं फ़ोन करके पूछो इफ्तारी कैसी लगी सबको। सो अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत पसंद आई एंड ही इज़ वेरी हैप्पी एंड दे ऑल आर हैप्पी ऑल्सो। सो या गाइस चलें इंशाल्लाह कल विद प्रिपरेशन मिलते हैं आपसे सुबह, या तो मैं अभी सहरी में मिलूंगी इंशाल्लाह, फिर सुबह मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके जी सो सहरी का टाइम हो गया, आज 30th सहरी अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब 30 सहरी है आज। एंड अब मैं मनाने जा रही हूँ सहरी सबके लिए और आज मतलब लास्ट सहरी है हमारी। कल से जो है कल ईद है अल्हम्दुलिल्लाह, आज चांद रात रहेगी और लास्ट सहरी लास्ट इफ्तार आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एंड जो चैलेंज मैंने लिया था खुद से कि मैं 30 डेज़ रमज़ान ब्लॉग सीरीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा हो चुका है माशाल्लाह से। सो यस अल्हम्दुलिल्लाह डन हुआ, वो मैंने खुद से चैलेंज लिया था और वो अल्लाह पाक ने पूरा किया, मतलब मैंने अपनी सोच बनाई और अल्लाह ने पूरा करा दिया। और आई होप आपको मेरी 30 डेज़ व्लॉग सीरीज़ पसंद आई हो। तो पसंद आई हो तो प्लीज़ बहुत मेहनत से बनता है, बहुत मेहनत से अपलोड होता है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा एज़ बट एज़ यू कैन। और कॉमेंट सेक्शन में बताया करेगा कि और क्या आप देखना पसंद करेंगे मेरे व्लॉग्स पर। एंड यस अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आगे बहुत अमेजिंग ट्रिप्स के एंड ईद सेलिब्रेशंस, ईद डेट्स, ईद डिनर डेट्स सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। मैं बनाती हूँ चपाती और साथ ही करते हैं जी आज का मेन कोर्स गरम और फिर सहरी कराते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से। बाय। एक चीज़ और बतानी थी कि हमारे यहाँ जो ईद सेलिब्रेशन होती है वो मोस्टली जब सऊदी में हो जाती है उसके बाद ही होती है। अब सऊदी में हुई नहीं है तो इसलिए हमारी ईद आज सऊदी में ईद है तो हमारी कल होगी। पहले सऊदी में होती है ईद एंड देन हमारे यहाँ इंडिया में होती है। सो बहुत सारे लोग सेलिब्रेट भी कर लेते हैं बट हम लोग नहीं करते, हम लोग सऊदी में होने के बाद ही लाइक हम लोग की सेलिब्रेशन रहती है। तो आज सऊदी में ईद थी, ईद होगी जैसे आज हमारे यहाँ चांद रात है, कल हमारी ईद होगी जैसे आज हमारे यहाँ चांद रात है। सो या गाइस कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं चपाती बनाना। और मैंने डो भी थोड़ी सी लगाई क्योंकि आज की सहरी बनानी है। अब तो 3 डेज़ के लिए छुट्टी मिल जाएगी क्योंकि ईद की प्रिपरेशन, हाँ ईद का व्लॉग बहुत अमेजिंग आने वाला है, ईद प्रिपरेशन व्लॉग बहुत अमेजिंग आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, मज़ा आ जाएगा आपको ईद व्लॉग्स में इंशाल्लाह। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। सो गुड मॉर्निंग, यहाँ जी अभी आउटफिट नहीं दिखाऊंगी, मेरा ईद का मेन आउटफिट आ चुका है एंड मुझे बड़ा डर लग रहा था कि मास्टर जी पता नहीं आज देंगे नहीं, पर कल रात से मैंने लिटरली कॉल कर करके उनको पागल बना दिया, 12 बजे कॉल की, 12:30 बजे, 1 बजे। सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आई रिसीव माई आउटफिट, हस्बैंड अभी लेकर आए हैं एंड वो आ चुका है मेरा आउटफिट, ये मज़ा आ गया। सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह कल मैं मेरा एक्चुअली मेन आउटफिट जो है वो मैं शाम में ही वेयर करूँगी एंड मॉर्निंग में मैं जो आपके साथ क्लोजेट हॉल शेयर किया था शॉपिंग हॉल, तो उसमें से मैं कोई भी कॉटन का आउटफिट डाल लूँगी मॉर्निंग में नमाज के लिए।
एंड देन शाम को हम प्रॉपर रेडी होंगे फॉर ईद। तो वो जो प्रॉपर रेडी होने वाला जो आउटफिट है वो फाइनली आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। जो आपको दिखाए थे मैंने लग्जरी ऑप्शंस दो अपने, वो भी मेरे स्टिच हैं, देखते हैं कहाँ यूज़ होंगे। क्योंकि इनके मेरे फ्रेंड के मेरे मतलब फ्रेंड की जो नहीं मेरे हस्बैंड की जो फ्रेंड है उनकी मैरिज है 9th को, हम लोग को जाना है। तो कल ही इन्विटेशन है, मैंने आप लोग के साथ शेयर भी किया था अपनी वीडियो पर। तो 9th को हम लोग को रिसेप्शन अटेंड करना है, तो हो सकता है कि मैं अपना उनमें से कोई भी एक आउटफिट उस दिन वेयर कर लूँ, क्योंकि हस्बैंड को बड़ी लगी हुई है कि कोई न्यू आउटफिट पहनो, डिफरेंट पहनो। तो मैंने बोला अपने क्लोजेट का पहनेंगे इंशाल्लाह। अच्छी बात यह है कि स्टिच करा लिए हैं सारे अल्हम्दुलिल्लाह। सो या गाइस, ड्रेसेस तो काफ़ी सारे स्टिच हो गए हैं, अब वो अलग अलग डेज पर अलग अलग मैं वेयर कर लूँगी। काफ़ी सारे ऑप्शन हैं मेरे पास माशाल्लाह। और बाकी शॉपिंग जो मैंने की है वो मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ, मुझे लगता है मैं ईद वाले दिन मतलब कल ही आपको दिखा पाऊँगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम हैं आज मुझे। अब जो है मैं अभी जस्ट अभी उठी हूँ, एंड उठने के बाद अब जो है फटाफट से मुझे जाना है किचन में, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी डस्टिंग क्लीनिंग हो गई है, किचन की रह गई है वो मैं प्रॉपर क्लीन कर लूँगी। एंड देन जो है मुझे कल के खाने की सब पूरा मेनू जो है वो उसकी प्रिपरेशन करनी है, मतलब प्रैप कर रख दूँगी, एंड देन रात को सब कुकिंग वगैरह रहेगी। एंड या गाइस, बहुत अच्छा लगा अभी मैंने अपने फ्रेंड से बात की, एंड तुबा तो वो मेरी सारी वीडियोस देखती है, सो थैंक यू सो मच तुबा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने पूरे व्लॉग सीरीज़ को मेरा इन्जॉय किया है। एंड होप कि तुम उसको शेयर भी करो अपने लव वन के साथ, लाइक शेयर एंड कॉमेंट हमेशा करते रहो प्लीज़ गाइज़। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, एंड आप लोगों के ही लिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं। कर्टेंस डाले नहीं, अभी डल जाएंगे, वो मैंने ऐसे ढक दिया था पिलो कवर से, तो इसीलिए प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल गाइस, 1K कर दो जल्दी से, ईद के तीसरे दिन से पहले पहले मेरे 1K कर दो गाइस, आई रिक्वेस्ट यू ऑल। एंड इफ़ यू लव माय वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। एंड या गाइस, अब मैं थोड़ी देर के लिए फ़ोन कर दूँगी बंद, क्योंकि बहुत सारा काम है। सो खुशी भी हो रही है, एंड रमज़ान जा रहा है, दुख भी हो रहा है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने जो चैलेंज अपने आप से लिया था कि मैं रमज़ान की व्लॉग सीरीज़ दूँगी वो एक्चुअली मैंने पूरा किया, या अल्लाह तेरा शुक्र। बट गाइस ट्रस्ट मी, ये बहुत हैक्टिक है, वीडियोज़ शूट करना, फिर उसको एडिट करना 2-2.5 घंटा, फिर उसको अपलोड करना 2-2.5 घंटा, मतलब कहाँ आपका 6-7 आवर्स चले जाते हैं यूट्यूब के लिए आपको पता नहीं चलता। तो इट इज़ नॉट ईजी टू मेक वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, वो भी विदाउट टेकिंग एनी यू नो, अभी आई एम नॉट चार्जिंग एनी थिंग विद लाइक फ्रॉम एनी कंपनी और फ्रॉम यूट्यूब, अभी सब कुछ फ्री चल रहा है, अभी सिर्फ मेरा इन्वेस्टमेंट चल रहा है। बट स्टिल मुझे कोई इन्वेस्टमेंट या कुछ अर्निंग ऐसा वो नहीं है, मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है वीडियोज़ बनाना। क्योंकि देखो ये भी चीज़ हर कोई नहीं कर सकता, अगर मैं आपसे क्लियरली बात करूँ इस टॉपिक पर, इस मौजे पर, तो लाइक हर किसी के अंदर ये डेडिकेशन और पैशन नहीं होता कि बनाओ वीडियो शूट करो फिर एडिट करो फिर अपलोड करो। भाई जिसको पैशन जिसको इंटरेस्ट है सिर्फ वही कर सकता है ये काम, पर मैंने चूज़ किया अपने लिए ये प्रोफेशन, सो आई एम हैप्पी विद इट, एंड आई एम डूइंग एंड आई एम मेकिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर दिस। बस दुआ कीजिए कि अल्लाह सबके साथ मुझे भी कामयाब करें इंशाल्लाह। बाकी जी आई एम डूइंग माई बेस्ट, बाकी जो अल्लाह का हुक्म है वो होना है इंशाल्लाह। सो या गाइस, बहुत सारी बातें दिल की कर ली हैं आज आप लोगों से, चलो चलते हैं काम करते हैं, सब सेट करना है मुझे फटाफट से। आई एम सो हैप्पी, आई एम क्वाइट हैप्पी, क्योंकि मेरा ड्रेस आ गया, आउटफिट आ गया मेरा ईद का। आई वॉज़ वेरी वरीड कि पता नहीं क्या होगा, मास्टर जी देंगे नहीं देंगे। और मास्टर जी जो है ना हमारे, वो ऐसे हैं कि उनको 20 या 1 मंथ पहले मुझे अपने आउटफिट्स देने होते हैं। जस्ट इमेजिन ईद के आउटफिट्स मैंने कब परचेज़ किए होंगे, हस्बैंड ने मुझे कब दिलाए, सोचो ज़रा। वो तो अल्लाह का शुक्र है मेरा खुद का बुटीक है, मेरा खुद का कलेक्शन है, ब्रांड्स मुझे कंपनीज से मुझे ब्रांडेड ड्रेसेस आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इस बार ईद के लिए कि मुझे मार्केट एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अमेजिंग कलेक्शन आई हैव, मैंने अपनी ईद हॉल में भी आप लोगों के साथ शेयर किया, और काफ़ी लोगों ने बहुत तारीफ़ की है कलेक्शन की कि क्वालिटी वाइज योर कलेक्शन आर टू गुड। सो थैंक यू सो मच तुबा, आपने भी बहुत तारीफ़ की, थैंक यू सो मच। एंड या आप लोग भी अगर चाहते हो आउटफिट्स खरीदना, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर उस वीडियो में है, मैं अब भी इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूँगी, आप लोग जाकर वहाँ से मुझे बता सकते हैं आपको अगर ड्रेसेस चाहिए तो मैं आपको ऑर्डर प्लेस, डिलीवरी वगैरह हमारी जो है ईद के बाद स्टार्ट हो जाएगी। अभी मैंने क्लोज कर रखी है बिकॉज ऑफ ईद, बट ईद के बाद मेरे ऑर्डर्स की डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी ऑल ओवर इंडिया। सो या गाइज, यू कैन ऑर्डर एनी आउटफिट फ्रॉम आर क्लॉजेट, और sana_tabu मेरा इंस्टा हैंडल है, आप जाकर वहाँ पर रेगुलर अपडेट्स देख सकते हो मेरे। कॉन्टैक्ट नंबर 8449200499।
ब्रॉडकास्ट में मैं आपको ऐड कर लूँगी, आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इंस्टा से मुझे काफ़ी रिक्वायरमेंट्स आई आउटफिट्स की, पर डिलीवरी क्लोज होने की वजह से मैंने अभी मना कर दिया डिलीवरीज, क्योंकि ईद के बाद ही स्टार्ट होंगी। तो बी रेडी, ईद के नेक्स्ट डे से हम लोग डिलीवरी स्टार्ट कर देंगे, तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं, मतलब कल के बाद से यू कैन प्लेस योर ऑर्डर फॉर एनी ओकेजन। एंड फ्रॉम लाइक लग्जरी कलेक्शन में भी आप ले सकते हो, एंड जो मेरे पास रिमेनिंग स्टॉक ऑफलाइन बचा है आप उसमें से भी ले सकते हो। बट ऑफलाइन बहुत सिलेक्टेड पीसेज बचे हैं, क्योंकि ऑफलाइन हस्बैंड ने क्लोज करा दिया, सिर्फ ऑनलाइन ही अब हम लोगों का बिजनेस है इन लाइक फॉर माई बुटी। सो यार गाइस, बहुत सारी बातें हो गई, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि अभी मुझे रात का भी शूट करना है, आप लोगों के साथ शेयर भी करना है। सो बी रेडी फॉर ईद व्लॉग, क्योंकि इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अमेजिंग मेरा ईद व्लॉग मिलेगा, मेरा ओटीटी मिलेगा, और बहुत अमेजिंग अमेजिंग आगे व्लॉग्स मिलने वाले हैं, क्योंकि वी आर गोइंग फॉर आई कैन डिस्क्लोज राइट नाउ, क्योंकि हम लोगों का इरादा काफ़ी जगह जाने का है। अल्लाह का हुक्म देखो क्या होता है, और जैसे जैसे होगा वैसे वैसे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, बाय, दुआ में याद रखिएगा गाइस, अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। एक ये चीज़ बोलनी थी कि ऑफलाइन इसीलिए मैंने क्लोज़ किया, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि ऑफलाइन आपने क्यों क्लोज़ कर दिया बुटीक अपना। तो यार एक्चुअली हस्बैंड का अपना बिज़नेस स्टार्ट हो गया है एजेंसी का, तो अभी ही डोंट हैव टाइम लाइक कि हम लोग जाएं और कलेक्शन या स्टॉक वगैरह बाहर से लेकर आएं, तो उनके पास टाइम नहीं है, तो उन्होंने प्रॉपर वाला जो है ना वो क्लोज़ करा दिया मेरा ऑफलाइन क्लोज़ेट। सिर्फ और सिर्फ जो कंपनीज हमें अब कैटलॉग शेयर करती हैं सॉरी, और जो ब्रांड्स मुझे ड्रेसेज आउटफिट्स भेजती हैं, सिर्फ मैं ऑनलाइन ही उसके साथ डील कर रही हूँ, क्योंकि ऑनलाइन मेरे लिए ईजी है, ऑफलाइन आई कैन गो आउटसाइड अकेले वो भी, और स्टॉक लेके आना विदाउट माय हस्बैंड, लाइक हस्बैंड को तो टाइम ही नहीं है उनके बिज़नेस की वजह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम क्वाइट हैप्पी विद दिस ऑल्सो, क्योंकि उनका बिज़नेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो हैप्पी विद इट, अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह तेरा शुक्र लाख लाख। तो हस्बैंड के बिज़नेस की वजह से हमें अपना ऑफलाइन बिज़नेस जो है वो हमें क्लोज़ करना पड़ा, बट ऑनलाइन मेरा कंटिन्यू है, डिलीवर हमारी सर्विस ऑल ओवर इंडिया भी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सो आप ऑनलाइन जो है मेरे कलेक्शन को इन्जॉय कर सकते हैं, लग्जरी कलेक्शन को एंड डिलीवर कलेक्शन को भी, एंड ब्राइडल कलेक्शन भी हमारे पास है, मतलब ऑल टाइप ऑफ कलेक्शन वी हैव इन आर सना अहमद क्लोज़ेट, तो आप लोग ले सकते हो वहाँ से। और बहुत जल्दी एक न्यू अपग्रेड भी आने वाली है मेरे क्लोज़ेट में, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर होगी इंशाल्लाह। सो रीज़न यही है ऑफलाइन क्लोज़ेट को क्लोज़ करने का, क्योंकि हस्बैंड का बिज़नेस स्टार्ट हो गया है और 6-7 मंथ्स हो गए हस्बैंड के अपने मेन बिज़नेस को स्टार्ट किए हुए, तो ही डोंट हैव टाइम टू डू एंड ही डोंट हैव टाइम लाइक हम लोग आउटसाइड जाएँ और लेकर आएँ, क्योंकि जाना आना ट्रैवल करना इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, यू कैन अंडरस्टैंड गाइज। तो इसीलिए ऑफलाइन हमने क्लोज़ कर दिया प्रॉपर तरीके से, सिर्फ हमारा ऑनलाइन चल रहा है बुटीक, मतलब अब सिर्फ मैं डील करती हूँ बुटीक को, पहले मेरे हस्बैंड भी करते थे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, बट अभी सिर्फ मैं अकेले इंडिविजुअल हैंड पर लाइक ऑनलाइन अपना जो बुटीक है उसको डील कर रही हूँ उसके साथ। हस्बैंड जो है अपना मेन बिज़नेस देखते हैं, उनका एजेंसी लाइन का बिज़नेस है, उनके पास एजेंसी है नोएडा की हैंगरी के नेम से, जिसके प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ ऑल ओवर मुरादाबाद कि जितने बड़े होलसेलर्स हैं उनको हमारी सप्लाई है। तो अगर आप इस टाइप के हैं या कोई मेल मेरी वीडियो को देख रहे हैं और आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए हैंगरी का, यू नो चॉकलेट वेफल एंड ऑल, नोएडा की बहुत बड़ी ब्रांड है जो मेरे हस्बैंड के पास है, अल्हम्दुलिल्लाह एजेंसी है उनके पास पूरी, तो अगर आपको उसका कोई प्रोडक्ट चाहिए तो हम लोग सप्लाई देते हैं पूरे ऑल ओवर मुरादाबाद, सारे बड़े होलसेलर्स को, पूरा मुरादाबाद मंडल में हमारी सप्लाई जाती है मेरे हस्बैंड की। तो अगर आपको चाहिए तो आप मेरे हस्बैंड से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो मुझसे कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं आप, या मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगी उनका नंबर, आप उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर दी प्रोडक्ट्स ऑफ हैंगरी। सो यस, इसीलिए बस हस्बैंड के मेन बिजनेस की वजह से हमें ऑफलाइन क्लोज़ेट क्लोज़ करना पड़ा, दिस इज़ द रीज़न। तो आज मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों को, आई होप यू विल गेट इट। सो या गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ, हस्बैंड का काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरा ऑनलाइन चल रहा है, और वो भी सिर्फ मेरा पैशन है इसलिए ऑनलाइन चल रहा है, नहीं तो शायद वो भी क्लोज़ हो चुका होता। बट ब्रांड्स भेजती हैं तो मैं शेयर करती रहती हूँ, एंड कोई एस सच वो नहीं है कंपल्शन की करना है, नो, हस्बैंड इज़ वेरी लाइक माई हस्बैंड इज़ वेरी वेरी, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव हिम इन माई लाइफ, सच में आई एम सो ब्लेस्ड कि वो मेरे हस्बैंड, आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो प्राउड कि आई एम लाइक मैं उनकी वाइफ हूँ एंड ही इज़ माई चॉइस, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो हैप्पी, या अल्लाह तेरा शुक्र लाख लाख फॉर एवरी थिंग, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरी थिंग, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सो यार गाइस, दुआएं रंग लाती हैं, दुआएं किया करें अल्लाह से, अल्लाह से जो मांगते हैं ना अल्लाह देता है, तो इसीलिए मांगे और अल्लाह पाक ज़रूर देगा। सो यार गाइस, बहुत सारी बातें हो गई, अब मैं चलती हूँ फटाफट बाहर, कैमरा रखते हैं साइड में, क्योंकि कैमरा के साथ अगर मैं बैठ जाती हूँ आपसे बातें करने तो कहाँ मेरा 4-5 यू नो
10-15 मिनट या हाफ एन आवर कहाँ जाता है मुझे नहीं पता लगता। सो अभी भी वीडियो 7-8 मिनट्स की हो गई है बातों बातों में। चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो यार गाइस आगे मैं किचन में बहुत सारी बातें करने के बाद अपने मदर लॉ के साथ, क्योंकि अब तो आज से तो बातें शुरू होगी क्योंकि कल है ईद, आज है चांद रात, और अभी खूब सारी प्रिपरेशन करनी है। माशाल्लाह ग्रोसरी हस्बैंड ने कल ही सारी फुल कर दी है घर में, तो अब जो है फटाफट से मैं पहले करूँगी किचन को थोड़ा क्लीन, क्योंकि अभी रमज़ान से पहले पेंट कराया था तो सब इतना ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हो थोड़ा बहुत ही है, तो वो मैं हल्का फुल्का बस यू नो डस्टिंग कर लूँगी। एंड देन उसके बाद फिर मुझे प्रेप करनी है छोले भिगो कर रखने, क्योंकि कल का मेनू में मसाला छोले रहेंगे एंड दही भले रहेंगे, बिरयानी रहेगी, शीर कोरमा रहेगा, कोल्ड ड्रिंक जूस, वो जो जैसे अकॉर्डिंग टू दी यू नो जो जो आएंगे अपने गेस्ट उनके हिसाब से, और चीज़ें मार्केट से आती रहेंगी। तो ये मेन्यू मेन जो रहेगा वो बिरयानी, मसाला छोले एंड शीर कोरमा और दही भले। सारी रेसिपीज़ मैं अपने चैनल पे इस बार शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर से ही ईद की कुकिंग स्टार्ट की अपने ससुराल में, तो मेरा जो रहेगा वीडियो पर पहली बार रहेगा, तो इंशाल्लाह शाम को सारी प्रिपरेशन मैं दिखाऊँगी कि मैं सारी चीज़ें कैसे बनाती हूँ, क्योंकि मेरे चैनल पर पहली बार ही होगा इंशाल्लाह। आई मीन सो मामी, सो यू गाइस कैन पिक द रेसिपीज़ एंड यू कैन ऑल्सो कुक एट योर होम एंड एन्जॉय द मील। सो या यहाँ पर जो है दूध वगैरह जो घर के हैं, एक्चुअली रूह अफ़ज़ा का मिल्क अलग आता है मेरा रोज़, पूरे रमज़ान रूह अफ़ज़ा मिल्क मैंने अलग ही मंगवाया है, क्योंकि वो क्वांटिटी का हिसाब रहता है घर का अलग, और बाकी ईद के लिए शीर कोरमा का जो मिल्क था वो ऑलरेडी हस्बैंड ले आए थे, वो मैंने मतलब उसको बॉईल करके ऊपर वाले मतलब रख दिया है उसको फ्रिज के अंदर। और चलो ठीक है फिर अब स्टार्ट करते हैं, सारी प्रिपरेशन हो गई हैं और जैसे जैसे जो होता रहेगा आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। सो यार स्टे ट्यून। और जी मामा की तरफ से आई है जी सिवाय, दिलीप की सिवाय आई है, वेरी फेमस दिलीप सिवाय ऑफ आर पापा स्टोर, शाही ड्राई फ्रूट स्टोर की हैं, मेरे पापा के स्टोर की हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की होती हैं, तो मम्मा ने भेजी है 1 kg की सिवाई हमारे ईद की शीर कोरमा के लिए। थैंक यू मम्मी डैडी, आई लव यू, अल्लाह पाक हम सुखी दुआ पूरी करें। सो आ गई मैं किचन में और अब सब चीज़ प्रिपरेशन में ईद की जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर जो छोले हैं ये 1/2 kg का पैकेट है जो मैंने कंटेनर में डाल लिया था, साथ ही ये दाल, ये रमज़ान में ही मैंने बनाए थे जो अफ्तारी में मम्मा की तरफ भेजी थी, एंड बाकी ये वाली दाल और मंगवा ली है, तो ये मैं भिगाने जा रही हूँ। साथ ही जी हम भिगाएंगे शीर कोरमे के लिए बादाम, बादाम मैंने और मंगवा लिए हैं, वो मैं गार्निशिंग के लिए रखूँगी। बाकी करीब आई डोंट नो कितने ग्राम्स हैं, 300 है या 400 ग्राम्स, तो ये मैं भिगोने जा रही हूँ। साथ ही निकालेंगे मलाई, जो घी निकालेंगे प्योर देसी घी, तो चलो स्टार्ट करते हैं सब चीज़। तो जी यहाँ पे अब मैंने सब भिगा दिया है, देखें आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बादाम भिगा दिए शीर कोरमे के लिए, दही भल्लों के लिए मैंने दाल भिगा दी है, साथ में छोले भिगा दिए, एंड यखनी जो है मैं शाम को ही बनाऊंगी, तो यखनी तो कई बार दिखा चुकी हूँ। शादी जी मैं सोडा ऐड करने जा रही हूँ, छोलों में भी सोडा ऐड करूँगी एंड दही भल्लों के लिए भी मैं सोडा ऐड करूँगी, बादाम में नहीं करूँगी। एंड बाकी ये है जी मलाई, मतलब मलाई इसको हम निकालेंगे, इससे देसी घी प्योर निकला हुआ है, क्योंकि मैंने रमज़ान से पहले निकाला था रमज़ान के लिए, साथ ही अब इसको भी हम निकालेंगे, खट्टा हो गया है सारी, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैं इसमें सोडा डाल दूँगी थोड़ा थोड़ा, बाकी ऐड करके ये भिगा दिए हैं। अब ये मैं रात को सब आई थिंक मैं इसको 7-8 आवर्स भिगाऊँगी और उसके बाद मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी, साथ ही इसको बॉईल मैं 7-8 आवर्स के बाद इसको भी मैं बॉईल कर लूँगी। ये मॉर्निंग में ही यूज़ होंगी जब मैं शीर कोरमा बनाऊँगी। तो या गाइस स्टे ट्यून, बहुत अमेजिंग प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है और आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। हम लोग जो है 3 मेंबर्स हैं, मतलब मैं मेरे हस्बैंड में बदल लो, बट मैं जो प्रिपरेशन करती हूँ ना ईद की, वो मैं हमेशा लास्ट ईयर भी मैंने 7-8% की थी और अब भी मैं वैसे ही कर रही हूँ 7-8%, जो आराम से यू नो गेस्ट आते हैं तो एक्स्ट्रा क्वांटिटी बनानी ही होती है, तो ये सब मेरे जो है 2-3 दिन तक आराम से चलता है, गेस्ट आते हैं तो 2 दिन या 1 दिन में ख़त्म हो जाती है सब चीज़ें, फिर मैं दोबारा बना लूँगी, वो ऐसी कोई बात नहीं है, बट मैं 7-8% के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें बना रही हूँ। सो या ये जो क्वान्टिटी है मैंने आपको बता दिया, मैंने ऐड कर दिया इसमें भी सोडा, छोलों में भी एंड दाल में भी, और बादाम तो ऐसे भिगो दिया मैंने, तो यहाँ मैं इसको लिड लगा कर रख दूँगी, साथ ही निकालेंगे अब जी घी। तो यहाँ गाइस क्वांटिटी में आप लोगों को बताती हुई चल रही हूँ अकॉर्डिंग टू दी रेसिपीज़। तो यहाँ पे मैंने घी जो है उस बॉक्सेस से निकाल लिया है और मैंने इस वेसल में, हमेशा मैं बड़ी वेसल में बनाती हूँ, इससे पहले भी मैं रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ इसकी रेसिपी क्या मतलब प्रोसेस क्या रहता है निकालने का, सो वही प्रोसेस मैं इस बार भी अप्लाई करने वाली हूँ। तो यहाँ पर जी मलाई काफ़ी लाइक अम्मी कितने लीटर दूध की होगी मलाई एग्जैक्टली नहीं पता, पूरे रमज़ान के जो दूध वगैरह आया है घर पर रोज़ का हाँ 20-25 किलो दूध की बांध लो, इतने की होगी आराम से। तो वैसल बड़ा है इसलिए कम लग रही है आपको, क्योंकि मैं हमेशा बड़ा लेती हूँ, क्योंकि इसमें छीटा निकलता है ना तो डर लगता है हाथ पे ना लग जाए, इसलिए मैं हमेशा बड़ा वैसल लेती हूँ। तो यहाँ पर आप मलाई देख सकते हो और ये सब जो है अब मैं हमेशा जैसे मैं दिखाती हूँ, जैसे मैं बनाती हूँ, मैं वैसे ही सेम बनाऊँगी, इसे मैं खूब देर तक पकाऊँगी जब तक कि ब्राउन नहीं हो जाएगा, जब घी ऊपर ही छोड़ देगा तो हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। तो अभी जो है मैंने ये निकाल लिया है और मैं जा रही हूँ अभी शाल लेने, क्योंकि टाइम हो गया, नमाज़ भी पढ़नी है।
सारी प्रिपरेशन हो गई डन, छोले बादाम एंड दाल सब भिगा के रख दी है, बस इफ्तार की तैयारी करनी है, दूध वगैरह सब सारी प्रिपरेशन हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब बस मलाई निकाल कर, क्योंकि मैं ईद के शीर कोरमे में जो है प्योर दूध के घर की मलाई का ही देसी घी यूज़ करती हूँ, मुझे मार्केट का नहीं पसंद, कई बार आप लोगों को वीडियोज़ में मैंने बताया है। सो या गाइस, तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, मैं नहाकर फिर नमाज़ पढ़ के फिर आप लोगों से मिलती हूँ, बाय, स्टे ट्यून्ड। ओके जी, सो मैं आ गई हूँ किचन में इफ्तार की प्रिपरेशन के लिए। इफ्तार तो आज नहीं बनता, लेकिन मदर लॉ को खानी है पकौड़ी, क्योंकि आज लास्ट इफ्तार, तो सोचा चलो बना देते हैं। तो जी मैं बनाऊंगी अभी यहाँ पकौड़ी, आलू प्याज मिक्स, ठीक है, एंड साथ ही बनेगी चिली वाली पकौड़ी, क्योंकि वो रखी हुई है मिर्चें, फिर वो ख़राब हो सकती हैं, तो हमने सोचा यूटिलाइज़ कर लें। एंड साथ ही जी यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ देसी घी, प्योर देसी घी, घर का होममेड। तो यहाँ मलाई जो है वो उबल रही है अभी, फ्लेम हाई कर देती हूँ, एंड कुछ इस तरह से इसकी जो सिचुएशन है ये हो जाती है पकाते पकाते। और अभी थोड़ी देर बाद में इसमें जो एक बॉईल आएगा तो ऊपर देसी घी आने लग जाएगा, बस फिर हम उसको थोड़ा पकाएंगे एंड देन दैट्स इट, स्ट्रेन कर लेंगे जो घी आ जाएगा उसको। और इधर बना लिया जी मेरी शेक, मतलब बस मिल्क ऐड करना है, बाकी सब चीज़ हो गई है। साथ ही स्टार्ट करते हैं पकौड़ी एंड घी निकलना है, और सारी आज बाहर से ला रहे हैं हस्बैंड, देखो क्या लाते हैं, अच्छे दिखाती हूँ। तो जी यहाँ पे इफ्तार शुरू हो चुका है, पकौड़ी बनने रख दी है, लास्ट इफ्तारी हमारी आज ये पूरे रमज़ान आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, आलू प्याज के मिक्स पकौड़े, क्योंकि ये मेरे भी फेवरेट है, मदर लॉ के भी फेवरेट है, और हमारी इफ्तारी मतलब मेरी इफ्तारी मेनली रूह अफ़ज़ा के बिना नहीं हो सकती, तो मिल्क शेक एंड पकौड़े तो ज़रूरी है, लाजमी है बनने बनने। और उसके अलावा सेव पूरी हो गई, शेक्स हो गए एंड जूसेस हो गए, फ्रूट्स, ये तो सब मैंडेटरी होता ही है। तो मोस्टली इफ्तारी बाहर से भी अगर आई है तो पकौड़े तो लाजमी बनने ही बनने हैं। साथ ही जी इधर बन रहा है घी, और देखिए ये सिचुएशन यहाँ तक आ चुकी है, बाकी सब चीज़ हो चुकी है, बस रात को मगरिब की नमाज़ के बाद इफ्तार के बाद सारी तैयारी शुरू कर दूँगी मैं भी। एंड या गाइस, इफ्तार के बाद मिलते हैं फिर। गाइज़ आप देख सकते हो इस स्टेज पर मैं घी जो है वो स्ट्रेन कर लूँगी, क्योंकि काफ़ी हद तक घी ऊपर आ गया है, मलाई नीचे चली गई है, एंड अब हम स्टेज पर इसको फ्लेम को कर देंगे बंद, क्योंकि ऑलमोस्ट आप देख सकते हो मलाई जो है वो नीचे चली गई, घी ऊपर आ गया और फ्लेम कर दिया क्लोज़। अच्छा जी अब इसको स्ट्रेन करते हैं, फिर मिलती हूँ इफ्तार के बाद आपने। फाइनली ये स्टेज थी मलाई की, आप देख सकते हो इस वाले कलर पर ना आपको घी निकाल लेना है, अगर इसे ज़्यादा डार्क करोगे तो घी बहुत ब्लैक आएगा और आपको इस तरह का घी नहीं मिल पाएगा। अगर ये वाला आउटकम चाहिए घी में, मतलब ये वाला कलर चाहिए प्योर एकदम और बहुत फ्लेवरफुल, तो आपको इस स्टेज पर गैस जो है फ्लेम बंद करना है और सारा स्ट्रेन कर लेना है। तो यहाँ पर जी ये मलाई जो है मैं फेंक दूँगी, क्योंकि मेरे किसी काम की नहीं है, और ये घी मैं फ्रिज में रखने जा रही हूँ इससे पहले कि मेरी मेहनत पर कोई पानी ना फिर जाए, क्योंकि शीरकुरमा जो है देसी घी में ही पसंद है, मैं मोस्टली शीरकुरमा जो है देसी घी में ही बनाती हूँ, मतलब मैंने कभी देसी घी के अलावा बनाया ही नहीं है शीरकुरमा, तो जी घर का ही निकला हुआ, मुझे बाहर का ही पसंद नहीं है। तो यार गाइस अब मैं इसे फ्रिज में रखने जा रही हूँ माशाल्लाह। तो जी इफ्तार हो गया है एंड फाइनली अब मैं एक्चुअली थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ जब भी रमज़ान जाता है, इमोशनल क्या मुझे पता नहीं क्यों रोना आता है जब जब रमज़ान जाता है तो, और ईद की खुशी भी होती है और रमज़ान के जाने का दुख भी रहता है। तो मैं भी नमाज़ पढ़ी थी, नमाज़ पढ़ते पढ़ते एकदम मुझे एकदम आंखों में आंसू आ गए, बस अल्लाह पाक हमारे रमज़ान को, हमारे रोज़ को, इबादत को कबूल करे, और हम सबको, मेरे माँ बाप को, इस दुनिया में सब जितने भी हैं उन सबके साथ साथ अल्लाह मेरे माँ बाप, मुझे, मेरे शौहर, मेरे भाई बहन, मेरी सास, हम सबको अल्लाह पाक इस दुनिया में जितने भी लोग हैं हम सबको अगले रमज़ान भी मुबारक करें, अगले रमज़ान भी नसीब करें, इंशाल्लाह आने वाले रमज़ान भी नसीब करें, और अल्लाह हम सब की जायज़ तमन्ना और दुआओं को पूरा करें, आमीन सुम्मा आमीन। सो आप लोगों को सबको चांद मुबारक, क्योंकि यहाँ पर पटाखे शुरू हो गए हैं और अब सायरन हो जाएगा ईद के लिए कि ईद है कल, आज कन्फर्म है, 30 रोज़े हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और या अल्लाह तेरा शुक्र हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए जितना शुक्र भेजे तेरा उतना कम है मेरे मौला, बहुत तेरा शुक्रिया कि तूने हमें इतने अच्छे रमज़ान, इतने अच्छे हमारे रमज़ान मुबारक जो इतने अच्छे गए, इतने अच्छे स्पेंड हुए हमारे रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई एम सो 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 थैंकफुल टू गॉड एंड टू माई हस्बैंड ऑल्सो कि उन्होंने इतने अच्छे इतने खूबसूरत रमज़ान हमारे स्पेंड करवाए। एंड गाइज आप लोग भी सब दुआओं में याद रखिएगा और सबको चांद मुबारक, दिल से चांद मुबारक। तो मैं नमाज़ पढ़ के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। चांद मुबारक हो सासू माँ इंशाल्लाह। अभी गाइज हम लोग जो है ना अंधेरा हो रहा है तो यहाँ पर मुस्ताफा हो रहा है मदर लॉ के साथ, तो आपको चांद मुबारक सबको, अम्मी आप भी बोल दीजिए सबको चांद मुबारक, मदर लॉ बोल रही है सबको चांद मुबारक, और भाई दिल से सबको चांद मुबारक। सायरन स्टार्ट हो गए हैं, आई होप आपको आवाज़ आ रही हो,
आ रही है ना। हाँ तो बस स्टार्ट हो गया, देखिए पटाखे फूट रहे चारों तरफ, बड़ी रौनक शौनक लग गई है। अब मैं नमाज पढ़ के आप लोगों से मिलती हूँ। फूट रहे हैं पटाखे चारों तरफ क्योंकि चांद दिख चुका है, सायरन हो गया, तो सबको चांद मुबारक, दिल से चांद मुबारक। और कल है ईद अलहमदिल्ला, हम लग जाएंगे हम प्रिपरेशन में, सो लेट्स गो। जस्ट अभी मैं उठी हूँ सोकर, और पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं इफ्तार कर और सबको ईद मुबारक बोलकर मम्मा की तरफ वीडियो कॉल भी लगा ली थी एंड बाकी सब लोगों से भी ईद मुबारक कर ली थी और दावत भी दे दी थी, और मैं ऐसी सोई मेडिसिन ले ली। जब मैं मेडिसिन खाई उसके बाद जब मैं लेटी हूँ ना 10:16 पर मेरी आँख खुली, मतलब इतनी मज़े की नींद आई, इतनी मज़े की नींद आई, आई कॉन्ट इवन टेल यू ऑल अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे अंदर जो है ना बूस्टअप हो गई मेरी एनर्जी, इम्यून सिस्टम मेरा और स्ट्रांग हो गया। सो फिर अभी क्या ना पूरी रात मैं इजीली सारे काम कर लूँगी, तो आई एम सो फ्रेश नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं सोच रही हूँ कि मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर दूँ क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग जो है ये व्लॉग भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा आई होप सो। बस इसमें थोड़ी सी क्लिप और ऐड कर दूँगी अभी मैं, बाकी मैं सोच रही हूँ कि अपनी वीडियो को यहीं कर दूँ एंड क्योंकि व्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो यस गाइस, आई होप आपको मेरा ये चांद रात का व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन आपको मेरी वीडियोस कैसे लगे। अल्हम्दुलिल्लाह 30 डेज़ की व्लॉग सीरीज़ हो गई है पूरी, सो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ईद व्लॉग में और ईद प्रेप वीडियो में। सो या गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।